स्वामी, मैंने वृक्ष से काटकर आपके लिए ये अंगूठी बनाई है। सुंदर, अति सुंदर। जानकी, एक राजकुमारी होते हुए भी हस्तकला में तुम्हारी ये निपुणता सराहनीय है। ये मेरी ओर से आपके लिए आज का उपहार है। आज का उपहार? आज कोई विशेष दिन है क्या? जी स्वामी, आज का दिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ, सबसे सुंदर दिन है। आज चैत्र नवमी का दिवस है स्वामी। आज के दिन उसका जन्म हुआ था जिसका नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। धन्य है आप देवी, मैं तो भूल ही गया था, किंतु आपको स्मरण है कि चैत्र नवमी मेरा जन्म दिवस है। मुझे आपका ये उपहार स्वीकार है, लीजिए, आप ही पहना दीजिए। देवी, अब तो आपने मुझे भी कोई उपहार देने के लिए बाध्य कर दिया। क्या उपहार दूं आपको? वो देखिए स्वामी, स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग? देवी, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी वो एक झलक दिखाकर वन में लुप्त हो गया। वो संपूर्ण रूप से स्वर्ण का था। स्वामी, मेरे पास कोई मृग छाल नहीं है, आप मुझे वो स्वर्ण मृग ला दीजिए ना, यही मेरा उपहार होगा। परंतु देवी, स्वर्ण का मृग होना संभव ही नहीं है। परंतु स्वामी वो था। आपकी दृष्टि का भ्रम रहा होगा देवी, और भ्रम मात्र मृग तृष्णा की भांति होता है, जिसके पीछे भागने से हाथ कुछ नहीं आता। नहीं स्वामी, मैंने उसे इन्हीं नेत्रों से देखा था जिन नेत्रों से मैं आपको निहार रही हूँ, तब भागकर वृक्ष के पीछे छुप गया। देवी, एक तो मृग स्वर्ण का होता नहीं है, यदि हो तो वो भाग नहीं सकता। इस पंचवटी में राक्षस बहुधा माया के खेल खेलते रहते हैं, कहीं ये स्वर्ण मृग भी राक्षसी माया न हो। स्वामी, आपके सामने कोई माया ठहर नहीं सकती है, परंतु यदि आप मुझे कोई उपहार देना ही चाहते हैं तो मुझे वही उपहार चाहिए, स्वर्ण मृग की छाल। या फिर कह दीजिए कि आप मुझे वो उपहार नहीं दे सकते हैं। देवी, मैंने आपको उपहार देने का वचन दिया है, इसलिए जाता हूं। शेष नियति की इच्छा। अनुज, लक्ष्मण, आ गया ब्रदर श्री। अनुज, तुम्हारी भाभी श्री को वन में एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया है और उनकी इच्छा है कि मैं उसका आखेट करूं। मैं जा रहा हूं, किंतु जब तक मैं लौट कर ना आऊं, सीता को एक क्षण के लिए भी अकेला न छोड़ना। जो आज्ञा ब्रदर श्री। धन्य है श्री राम, आपने दर्शन देकर मेरे आंखों की प्यास बुझा दी। अब बाण चलाकर मेरे जीवन का उद्धार भी कर दीजिए।
हे सीता, हे लक्ष्मण, हे सीता, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, सीता, लक्ष्मण, सीता, दाता लक्ष्मण, ये तो आर्यपुत्र की पुकार है। नहीं भाभी श्री, ये अवश्य कोई माया का खेल है। इस वन में राक्षस बहुधा माया जाल फैलाए रहते हैं। सीता, नहीं भ्राता लक्ष्मण, ये कोई मायावी खेल नहीं है, ये उन्हीं की पुकार है, वे संकट में है। भाभी श्री, जो स्वयं कष्ट निवारक है उन्हें कोई कष्ट कैसे दे सकता है? मेरे भ्राता श्री तो इस संसार के दुख हरता है, उन्हें कोई दुख कैसे हो सकता है? आप चिंता ना करें। कैसे ना करूं चिंता भ्राता लक्ष्मण, मैं रघुवीर की वाणी को अच्छी तरह से पहचानती हूँ, वे संकट में है और तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। भाभी श्री, समस्त संसार मेरे भ्राता श्री को सहायता के लिए पुकारता है, फिर भला वो मुझे ही क्यों सहायता के लिए पुकारने लगे? आप निश्चिंत रहिए। नहीं भ्राता लक्ष्मण, तुम जाओ देखो उन्हें क्या हुआ है। किंतु भाभी श्री, वो मुझे आदेश देकर गए हैं कि मैं एक क्षण के लिए भी आपके पास से ना हटूं, फिर मैं कैसे जा सकता हूँ? ये क्यों नहीं कहते कि तुम जाना ही नहीं चाहते, कदाचित अपने प्राण संकट में डालना ही नहीं चाहते? भ्राता लक्ष्मण, तुम भय भी तो, स्वार्थ ने तुम्हें आ घेरा है। मेरे राम संकट में है, तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, किंतु तुम पर कोई प्रभाव ही नहीं। सत्य है, संसार में भाई जैसा ना कोई मित्र है और ना ही भाई जैसा कोई शत्रु। भाभी श्री, ये आप क्या कह रही हैं? भ्राता श्री राम मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं, वो मेरे आदर्श है, मेरे आराध्य है वो। सब कहने की बात है भ्राता लक्ष्मण, आज मुझे सत्य का आभास हुआ है, तुम्हारा प्रेम केवल दिखावा है। नहीं भाभी श्री, नहीं, आपके शब्द मेरे हृदय को भेद रहे हैं। आप तो सत्य जानती हैं कि आपको मैंने भाभी नहीं सदैव माता समझा है। यदि माता समझाए तो माता के आदेश का पालन क्यों नहीं करते? भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता तुम्हें पुकार रहे हैं, यदि आज तुम उनकी सहायता के लिए नहीं गए तो हमारे समस्त नाते टूट जाएंगे। आज से तुम मेरे कुछ नहीं होगे। भाभी श्री, हे पवन राज, हे वन के वृक्षों, हे धरती, हे आकाश, साक्षी रहना कि मैं यह स्थान छोड़कर जाना नहीं चाहता था, किंतु मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं अपनी माता समान भाभी श्री के आदेश की अवहेलना कर सकूं। मैं जा रहा हूं, यदि मेरे भ्राता श्री राम पूछे कि मैंने उनके आदेश की अवहेलना क्यों की है तो मेरा साथ देना, उन्हें बता देना कि मैं अपनी भाभी श्री की आज्ञा के समक्ष विवश था। भाभी श्री, मैं जा रहा हूं ये जानते हुए भी कि हमारे साथ छल हो रहा है, ये सब माया जाल है। जा रहा हूं भाभी श्री। Thank you.
भाभी श्री, मेरी आपसे एक विनती है, आप इस रेखा के पार मत जाइएगा, किसी भी स्थिति में नहीं। रेखा उल्लंघन करके जो इस पर्ण कुटीर में आएगा, हैयान उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। राधाश्री, राधाश्री, मारीच, मारीच, तुमने छल किया मुझसे? हे राम, ये मेरे जीवन का अंतिम अपराध है। इसके पश्चात ना मेरा जीवन रहेगा, ना मैं कोई अपराध कर सकूंगा। किंतु तुमने छल क्यों किया मुझसे? हे राम, आपके हाथों मारा जाना ही मेरे जीवन के कल्याण का एकमात्र उपाय था। राधाश्री, इसी इच्छा के हाथों मैं विवश हो गया। आपके आपके दर्शन हो गए, आपके हाथों परलोक सिधा रहा हूं। मेरे जीवन की हर इच्छा पूर्ण हो गई। मुझे मुझे क्षमा करे श्री राम, मुझे क्षमा राम। किंतु मारीच, हे राम। राधाश्री, लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था कि जानकी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। तुमने यहां आकर अच्छा नहीं किया अनुज। क्षमा कीजिएगा राधाश्री, यदि मैं यहां नहीं आता तो भाभी श्री के श्राप का भागीदार बन जाता। आपकी वाणी में हे लक्ष्मण की गुहार सुनकर उन्हें लगा कि आप जरूर किसी कष्ट में होंगे। राधाश्री, मैंने उन्हें समझाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु किंतु जब उन्होंने संबंध विच्छेद करने की बात कही तो मैं यहां आने में विवश हो गया। मैं जानता था कि यह किसी राक्षस का मायावी खेल ही होगा। अवश्य ही कोई बड़ा अनर्थ होने जा रहा है अनुज। जानकी देवी किसी संकट में पड़ने वाली है। हम पंचवटी से बहुत दूर आ गए हैं अनुज, हमें चलना चाहिए। हाँ भ्राताश्री,